भांजा लोगों के लिए ये ट्रक गाड़ी ले दिया। अभी हम लोगों ने ये थोड़ा सा दो ठो बहुत ही मस्त मस्त है यहाँ पर। ये जेबअप के लिए खरीद दिया एक क्यूब, एंड ये हमारा छोटा भांजा शिवांश के लिए एक ठो। और मिस्टी का भी अचार है, क्या क्या अचार है वो तो अब पता है। हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, एंड मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं संडे, एंड बहुत सारे यहाँ पर चेहरा में पिंपल हो गया है ज़्यादा सिंपल रह रहे के। तो आज मैं अपनी माँ को लेकर जा रहा हूँ थोड़ा सा हैमिल्टन के मेला। ठीक है, हम लोग सभी लोग गए हुए थे, तो मेरा माँ तो काम जाती है, तो संडे का दिन ही होता है, एक दिन छुट्टी मिलता है, तो इसके लिए आज मैं माता जी को थोड़ा सा घुमाने के लिए जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा है, बचपन में तो माँ लोग लेके जाता था, तो आज मैं अपुन लेके जाएगा। अपुन भी हो गया थोड़ा सा बड़ा और हमेशा रहता है खड़ा। चलिए अब जाते हैं। अभी फाइनली अभी हम लोग हैमिल्टन पहुंच चुका है, एंड वहाँ पर वो जो है ना, वहाँ पर अपन लोगों ने रख दिया यहाँ पर गाड़ी। तो हम लोग पहले से यहाँ पर से पहले तो साइकिल रखते थे, कुछ भी नहीं था तो साइकिल रखते थे, एंड अभी स्कूटी रख गया। ये होता है डेवलप, एंड ये रही हमारा माता जी। देखिए, और अभी हम लोग थोड़ा सा जाएंगे मेला की तरफ में घूमने के लिए, और ये है पीछे बड़ा। अब जाते थोड़ा सा मेला घूमने के लिए। थोड़ा सा इधर सर्कस तरफ आए हुए थे, लेकिन इधर बहुत एकदम खाली है, क्या है बोलेंगे। एंड देखिए इधर का नज़ारा, ये है पीछे हम लोग का टोरा टोरा, एंड इधर में मौत का कुआ है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा उधर जाएंगे। इधर में तो ये छोटा वाला रोड है पिंक, इधर में है बड़का वाला रामलीला, और इधर में तो एकदम खाली है, खाली है, क्या है बोलेंगे। देखिए इधर का तो संडे का दिन है, लेकिन भाई सब क्या है बोलेंगे, बहुत ही खाली है मेला। तो उधर तरफ होगा भीड़ भाड़, तो अभी हम लोग थोड़ा सा उधर में जाएंगे। एंड इधर सर्कस, रॉयल सर्कस है, जानवर सब तो कुछ भी नहीं है एकदम, तो उतना खास हम खास नहीं इस बार का सर्कस, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा उधर में जाएंगे, उधर में दुकान तरफ जाना पड़ेगा अभी हम लोग को। एंड चलते फिर इधर में, इतनी ढेर सारा आइसक्रीम दुकान सब स्टोर सब। तो ये रहा हमारे ब्रदर। हम लोग थोड़ा सा 20 रुपए का रिंग खरीदा है, अभी थोड़ा पड़ेगा ऐसा है, तो ले फिर खेलते हैं। मैं भी खेल रहा है एकदम, नहीं फंसा कुछ भी एकदम, हम भी थोड़ा सा खेलना पड़ेगा भाई साहब, चलो खेलते हैं पहले। तो हम लोगों ने वो रिंग खेल दिया 40 रुपए का, लेकिन एकदम कुछ भी नहीं फंसा, क्या बोलेंगे, थोड़ा निशाना या अच्छा नहीं लगता है। अभी थोड़ा सा फाइनली अभी हम लोग कुछ यहाँ पर अचार खरीद रहे हैं। देखिए ये है मिक्सचर अचार, ठीक है, ये हम लोग का 100 रुपये, ये सारे मिक्स है, एंड ये वाला लहसुन अचार हम लोग खरीद रहे हैं। तो और यहाँ पर मिस्टी का भी अचार है, क्या क्या अचार है वो तो आप पता ही नहीं। तो थोड़ा सा दो डब्बल लेना पड़ेगा, एक मिक्सचर का अचार, एक लहसुन का अचार लेना पड़ेगा पहले। ढेर सारा अचार है एकदम, क्या ही बोलेंगे, क्या क्या अचार है, बहुत एकदम टेस्ट आते हैं यहाँ का अचार। यहाँ पर कुछ फ्राई खाने के लिए, ये है मूंग दाल का, ये है मसूर दाल का, बोरी है ये, ठीक है, उधर में दाल का है, और ये काला दाल का वो वाला, ये वाला दीजिए ना दाल बोरी। हाँ कितना इसका दादा? 60 रुपये। कौन सा दाल का है ये? उड़द दाल का है। ओह ठीक है, हाँ चलो फिर 60 रुपये इसी लेते हैं। 200 ग्राम है पूरा। हाँ पर हम लोगों ने अभी ये जो है ना, ये पालक साग और ये क्या बोलता है पुदीना का, ये है पापड़, तो ये हम लोग का 80 रुपये पड़ा ये, ठीक है। तो अभी ये हम लोग ने इतना ले लिया है, इतना सारा, अभी थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने फाइनली वहाँ पर ढेर सारा आचार वगैरह सब चीज़ ले लिया है, एंड अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहे। इधर हम देखिए बच्चों लोगों के लिए खेलने के लिए एकदम बहुत ढेर सारा गाड़ी वगैरह सारा चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो मेला सीजन है तो बहुत महंगा है, यहाँ का स्पेशल चटपटी दिखाता है, यहाँ का जो सबसे स्पेशल होता है। और देखिए ये ही मेला का सबसे स्पेशल ये चटपटा, यहाँ पर देखिए सारा है, यहाँ पर ये दाल वगैरह, थोड़ा सा एक ही पकड़ के ले जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर काबुली चना भी है, हरा मटर, इन बादाम वगैरह ढेर सारा है, पहले दाम पूछते। तो ये वाला चटपटी 100 ग्राम का 40 रुपये लगता है, ये सारा यहाँ पर तो नमक वगैरह नहीं रहता कुछ भी, पहले यहाँ पर नमक लगा के पहले बनाया जाता है। यहाँ से हम लोग थोड़ा चटपटी खरीद लेते, लेकिन ये खरीदा तो दूसरे दुकान में खरीदना पड़ेगा माँ ने बोला, तो चलिए थोड़ा सा इधर में घूम लेते सबसे पहले। अभी हम लोग थोड़ा सा फाइनली अभी थोड़ा सा ये वाला दुकान में है, थोड़ा सा ये जो क्या बोलते हैं इसको साबूदाना का ये चिप्स है, जो कि खाने में बहुत ही एकदम टेस्ट होता है, जब फ्राई करेंगे ना इतना मज़ा लगता है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा 100 ग्राम ले रहे, कितना दाम पड़ता है? ओ ये धनिया सारा चिप्स है ना यहाँ का ना दादा, तो ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर 100 ग्राम, ये 40 रुपये कितना, एक को है 250 ग्राम का है, ठीक है, सॉरी
100 का है। नैनीताल में देखिए ढेर सारा, इतना बहुत ही एकदम ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में चिप्स है यहाँ पर। हम लोगों ने थोड़ा सा चिप्स वगैरह, थोड़ा नहीं एक खोआ करके लिए, टोटल 200 रुपये का लगा। एंड अभी थोड़ा सा फूल फूल वाला मार्केट तरफ आया इधर, ठीक है। इधर फूल फूल मार्केट कितना है ये जो, इतना बहुत एकदम खासम खास टाइप का इधर में फूल, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर में तो मस्त ही एकदम धमाकेदार है। मैंने यहाँ पर ये देवप के लिए खरीद दिया एक क्यूब, एंड ये हमारा छोटा भांजा शिवांश के लिए एक ऑटो गाड़ी। तो अब इसको रखते दोनों मिला के हम लोग को 250 रुपये पड़ा यहाँ पर। बहुत ही दाम होता है लेकिन क्या करेंगे, बच्चों लोगों के लिए लेना ही पड़ता। चूड़ी लोला और का के लिए पुलिप का दुकान में आया, माँ के लिए यहाँ पर कुछ खरीद दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ भाड़ यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, एंड शाम का टाइम है तो पूरा एकदम भीड़ होता है, क्या ही बोलेंगे। अभी हम लोगों ने ये थोड़ा सा दो ठू खरीद लिया है, दोनों भांजे के लिए दो ठू मिला के 40 रुपये, बहुत ही मस्त मस्त है। अभी हम लोग थोड़ा सा मेला से निकल के हेमिल्टन के एक सबसे यहाँ पर बेस्ट में बेस्ट एक चटपटी दुकान है हेमिल्टन में, आइए इन वो लोग हम जरूर खाएंगे, इतना टेस्ट लगता है वहाँ का। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ चटपटी दुकान थोड़ा सा खरीदे के यहाँ का सबसे स्पेशल वाला आइटम बताएंगे आप कौन सा खरीदना चाहिए बोल के। एंड चलिए ये हम लोग का हेमिल्टन का हॉल देखिए कितना है, एकदम बहुत ही खतरनाक दिखता है, रंगहीन हो गया एकदम, और फिल्म लगाया है दिल तो के चाहेला के चाहेला वो तो पता नहीं है। एंड ये वाला चटपटी दुकान में जरूर खाइएगा, चटपटी खरीद लिया थोड़ा सा नहीं, पाँच टू लिया, थोड़ा दो मूंग दाल का बनवाया, एंड तीन टू वो चाट पापड़ी का बनाया, चाट का बनाया हम लोगों ने, 30 करके लगाया यहाँ पर, बहुत ही टेस्ट मिलता है। ये दुकान में भी आके जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, गजब लगता है एकदम खाने में। संडे के दिन एनी दौर में जे बी मार्केट्स वगैरह, संडे के दिन बहुत ही मिल्टन का फेमस जे बी मार्केट्स यहाँ पर ढेर सारे ये देख रहे हैं, बहुत कम दाम मिल जाए, दुखी आदमी तो हम लोग सारा जे बी आइटम ही लगाता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा खाने वाले भेलपूड़ी चाट, ये 80 रुपये का ये रहा भेलपूड़ी, एंड इसमें डलने जा रहा है छोला ये, ठीक है। और क्या क्या डलेगा वो तो पता नहीं मेरे को, ये तो कभी नहीं खाया है हम लोग ने, तो थोड़ा सा माँ को लेकर आया तो खिलाना पड़ेगा। एंड उसमें थोड़ा सा अचार डाल दिया दोनों में, अचार डालने के बाद में और क्या क्या डालता है, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के। एंड इधर में ऐसे टाइप का भी दुकान है, चलिए ये रहा भेलपूड़ी वाला क्या बोलता है वो, तो अभी माँ को खिलाता है, कभी नहीं खाया है, खाए पहले खाते इसको देखते कैसा टेस्ट लगता है। तो माँ कैसा लगला खाएगी तो के दामिया है, टेस्ट है भाई साहब गजब टेस्ट है एकदम, क्या ही बोलेगा, हम तो नहीं खाए थे इसको कभी भी, लेकिन इतना टेस्ट है ना क्या ही बोलेंगे। लोगों ने वो भेलपूड़ी चाट खा लिया और इतना टेस्ट है क्या है बोलेंगे, गजब टेस्ट है एकदम, 80 रुपये पड़ा लेकिन एकदम मस्त टेस्ट है एकदम। भांजा लोगों के लिए ये ट्रक गाड़ी ले दिया है, एकदम दो ठू लिया एकदम बड़ा बड़ा टाइप का, ये रहा इधर में, तो दो ठू में हम लोग का 150 रुपये पड़ा। और ये तो बचपन में याद दिलाता है पूरा एकदम, हम लोग तो बचपन में बांध के बालू लादने वाला काम करता था, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। ये अंकल का दुकान से सारा जगह मतलब सारा जगह इधर का सारा चीज़ घूम दिया, ठीक है। तो अभी जाना पड़ेगा थोड़ी दीदी लोग घर में, भांजा लोग के लिए बहुत सारा एकदम सामान खरीदा है, क्या ही बताएगा आप लोग को, बताएगा नहीं डायरेक्टली दिखाएगा उधर में। एंड गाड़ी भी यहाँ पर अभी लेके जाएंगे, 20 रुपये लगा मेरे स्कूटी का, साइकिल का 10 रुपये, एंड गाड़ी का भी 20 रुपये हो चुके हैं यहाँ पर। तो अभी थोड़ा सा माता जी बाहर में, तो थोड़ा सा उसको उठा के डायरेक्टली जाएंगे काचनी के द्वारा। बोरे बाबा काचनी में चला आया हूँ, और ये शिवांश के लिए एक ला दिया ट्रक गाड़ी, ये तो एकदम बचपन का याद आता है टू ही, और एक टू ऑटो भी ला दिया वो। ए बाबू क्या गाड़ी है, कहो टोटो गाड़ी, यहाँ पर बहुत ही एकदम मस्त है, और वो आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए। तो ये सब मेला में जाके ना ये सब जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि ये होता है एकदम बचपन का यार, क्या बोलता है दिखा दीदी बता दो, बचपन में खेलते थे हम लोग, बहुत ही मजा आता। और तो और भी ये सब भी हमको नहीं मिलता था उतना, और एक बार का बात है, हम तो रिमोट गाड़ी कभी नहीं चलाया था, तो मेरा दिखा दीदी जाके एक रिमोट गाड़ी खरीद दिया था, ऐसा टाइप की रिमोट गाड़ी खरीदा था ना भाई साहब, काय बोलेगा तार वाला था, जहाँ जहाँ गाड़ी जाता था हम उधर उधर निकलते जाते थे, मजा आता था। हम लोग का तो बचपन में तो ये सब खेलने के लिए नहीं मिलता था, क्योंकि क्या है थोड़ा पोजिशन प्रॉब्लम ही था, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा वच्चा जो जो है एकदम खुशी से एकदम जीना मांगता है, बहुत खतरनाक होना मांगता है। और ये ट्रक तो क्या है बोलेंगे, इसमें एकदम कल में एकदम इसमें टारा गाड़ी को धार धार के एकदम यहाँ पर छठ पूजा का पूजा भी एकदम, और यहाँ पर टोटो गाड़ी से भी एकदम चला चला के जाएंगे, एकदम पूरा भाड़ा मारना पड़ेगा। अभी ऑटो भी चलाया एकदम सुपर एक्सप्रेस तूफान जाके लिए, ये ला दिया है, खतरनाक चलता है ये, और वो देखो टैं 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 खतरनाक है ये चलाने का, बेबक क्यूब ठीक है, इसको मिलाना पड़ेगा ये कलर वलर सब मिलाना। तो अभी 6:11 हो चुका है, एंड अभी ठंडा का महीना है, तो ये वाला
अपन हुडी लगा लिया है, ये हमारे जीजा जी ने दिया था। अभी घर जाना पड़ेगा, यहाँ पर एक हम लोगों ने थोड़ा बातचीत वगैरह, क्योंकि बहुत दिन में आते हैं ना यहाँ पर, तो आगे थोड़ा सा बातचीत वगैरह एंड थोड़ा सा अंधकार भी है। अभी थोड़ा सा घर जाना पड़ेगा क्योंकि दीदी वहाँ पर दुकान में अकेली है, तो अभी सभी लोग थोड़ा सा बाहर निकल चुके हैं, तो थोड़ा सा अभी जाएंगे गाड़ी चला के घर वापस जाएंगे। अभी लगभग 7 बज गए एंड अपन घर पहुंच चुका, ठीक है। तो मेला वाला सारा चीज वहाँ घूम के कालसिनी तरफ से हम लोग थोड़ा सा, आज मैं गारोपड़ा चौपती रास्ते में होके आए, क्योंकि गारोपड़ा चौपती से दुकान से थोड़ा सा काम था मेरा, तो वहीं से कुछ कुछ काम वगैरह करके हम लोग चला आया। देखो एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग तो सभी लोग दोस्त उसके क्या क्या से हम लोग घूमते फिरते रहते, लेकिन कभी अपना फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, अपना माँ बाबा को भी थोड़ा सा घुमाना चाहिए, ये अपन का थॉट है एंड माफ़ करना। तो चलिए फिर गाइस अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते हैं। बंदा में बैचलर तू कन्या कुवारी, आजा हो जाए थोड़ा लकी तू लकी मी। फाइनली अपन फ्रेश हो गया है, ठीक है। तो फ्रेश होके अभी थोड़ा सा बैठते हैं, दुकान वगैरह में जाना पड़ेगा, काम काज करना पड़ेगा, बस यहीं तक था वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अच्छा लगा तो ऐसा भी ठोक देना, नहीं लगा तो ऐसा कर देना, डिसलाइक कर देना, और चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अगर जानता हूँ आप लोग को अच्छे नहीं लगते मेरे वीडियो, तभी भी कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मांगने में क्या जाता है भाई, हम लोग भिखारी ही आदमी है भाई, क्या बोलेंगे एकदम। चलिए नहीं हो तो ठोक देना। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।